मॉड्यूल सिक्सटी सिक्स इनडायरेक्ट असमेंट जब हम इन डायरेक्ट असमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यूज एंड बेस लाइन चार्ट जो इंटरव्यू होता है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो हमें बहुत से वेरिएबल्स uh, के बारे में uh, बताता है कि जो कि बच्चे की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम uh, क्रिएट कर रहे होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं फॉर केस फार्मोलेशन एंड फॉर असमेंट एज़ वेल एज़ फॉर मैनेजमेंट प्लान तो uh, जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉटेंट होती हैं ख़ास तौर पे जो पेरेंट की अपने पेरेंट uh, और चाइल्ड का जो आपस के अंदर रिलेशनशिप होता है वो बहुत इम्पॉटेंट होता है जो बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड होता है वो बहुत इम्पॉटेंट होता है बिकॉज यूजली ये कहा जाता है कि कंडक्ट डिसडर्स जो हैं जिस वक्त पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होता है या जो घर का इन्वामेंट होता है वो डिस्ट्रप्टिव होता है उस वक्त ये प्रॉब्लम जो है वो एक्सबिट हो सकता है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये आ, चीज़ फाइंड आउट करनी है इंटरव्यू के अंदर कि बच्चे के रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हैं मदर के साथ कैसे हैं फादर के साथ कैसे हैं उसका जो अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड है वो कैसा रहा उसकी जो मदर uh, की जो प्रेगनेंसी का टाइम था वो कैसा रहा उस दौरान उन्होंने किसी किस्म की कोई मेडिसन तो यूज़ नहीं की या कोई सब्सटेंस तो यूज़ नहीं किया ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे का प्रॉब्लम uh, है वो किस वजह से कॉज कर रहा है तो केस फॉर्मूलेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग देन जो स्कूल का इन्वामेंट है बच्चे के जो स्कूल uh, के अंदर फ्रेंड्स हैं बच्चे के जो सोशल स्किल्स हैं वो कितनी हैं वो डेवलप्ड हैं वो डेफिसिट हैं या नहीं है वो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन uh, लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है uh, क्यों क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर कंडक्ट प्रॉब्लम होता है उनके अंदर सोशल स्किल्स डेफिसिट कर रहे होते हैं क्योंकि सोशल स्किल डेफिसिट कर रहे होते हैं इस वजह से समटाइम जो कंडक्ट प्रॉब्लम है वो बच्चे के अंदर एग्जिबिट होना शुरू हो जाता है तो ये चीज़ देखना कि पियर रिलेशनशिप जो है वो बच्चे का कैसा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसी तरह अगर पेरेंट्स के आपस के रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल उनके मैरिटल रिलेशनशिप कैसे हैं पेरेंट्स के आपस में हॉस्टालिटी तो नहीं है एग्रेसि बिहेवियर तो नहीं है जो वो एग्जिबिट करते हैं घर के अंदर जिससे बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है बच्चे की अटैचमेंट स्टाइल जो है वो पेरेंट के साथ कैसा है ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम तो ये चीज़ जो है इंटरव्यू के अंदर आप उसकी पूरी डिटेल जो है आ, वो आप लेते हो उसके प्रेगनेंसी से लेकर उसके करेंट प्रॉब्लम के टाइम तक इंटरव्यू आप मदर से और फादर से दोनों से भी कर सकते हो सपरेटली भी कर सकते हो जॉइंटली भी कर सकते हो और समाइम इफ़ यू नीड सर्टन इंफॉमेसन फ्राम द स्कूल यू कैन सेंड द फॉर्म टू द पेरेंट्स फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन जैसे अगर आप ये देखना चाहते हो कि उसके ग्रेड्स कैसे थे तो यू कैन आज द टीचर टू सेंड यू द रिक्ड्स अगर आप उसके स्कूल के बारे में और उसके स्कूल के क्लास के बिहेवियर के बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यू कैन सेंड दैट फॉर्म टू द टीचर तो वो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड uh, करेंगी उसके बाद बेस लाइन चार्ट जो है आ, वो हम बच्चे को प्रोवाइड uh, करते हैं uh, अगर तो एडोलसेंस एज है तो बच्चा उसे खुद भी फिल कर सकता है या और अगर बच्चा छोटा है तो डेफिनेटली पेरेंट्स जो हैं वो भी फिल कर सकते हैं टीचर्स भी फिल कर सकते हैं तो बेसलाइन चार्ट जो है वो हम देते हैं बच्चे को और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसकी वजह ये होती है कि जो मैनेजमेंट प्लान है और वो डिवाइस करने में हमें हेल्प करता है इस किस्म के बेसलाइन चार्ट्स और ये हमें उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताते हैं सर्टन टाइम पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लेकिन जब वो बेसलाइन चार्ट आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ टू वीक लेकर आते हैं तो वो प्रॉब्लम शायद एक दफ़ा या दो दफ़ा एग्जिबिट हुआ होता है या समटाइम एग्जबिट ही नहीं हुआ होता तो ये एक तरह से पेरेंट्स uh, को भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है कि वेदर दैट प्रॉब्लम इज़ मेनली लाए और नॉट तो अगर हम इधर देखें तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में मिसाल के तौर पर हम डेट उनसे कह सकते हैं कि वो डेट रिपोर्ट करें हम उनसे टाइम भी कह सकते हैं कि वो टाइम भी रिपोर्ट करें ठीक है उसके बाद एंटीसीडेंट फैक्टर या एंटीसीडेंट इवेंट क्या हुआ था यानी क्या हुआ था सूरत हाल क्या थी या सिचुएशन क्या थी फॉर एग्जाम्पल मदर्स फॉर मेकिंग मैस इन द रोम तो उस दौरान हुआ क्या के शर्जील का बिहेवियर क्या था कि उसने एंगर जो है वो अहमद के ऊपर डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया और उसके फेस को पंच किया और क्यों ऐसा उसने क्यों किया बिकॉज जो थॉट था कि अहमद क्रिएटेड द मेस बट एज यूजल ही स्कूल मी में जिस तरह हमने बात की कि जो कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं आमतौर के ऊपर उनके अंदर जो इंसाइट होती है या वो अपने ऊपर ब्लेम जो है वो नहीं लेते और वो ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं जिसकी वजह से दूसरे शख्स को नुकसान भी हो सकता है तो इस किस्म का थाट जो है वो शर्जील के जहन में आ रहा था और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो नाइन्टी परसेंट थी और जो ये फ्रीक्वेंसी है वो टू टाइम्स हुआ मिसाल के तौर पर एक दिन में भी दो दफा हो सकता है और ये भी हो सकता है वन वीक में दो दफा हो अगर वन वीक में दो दफा होगा तो डेफिनेटली यहाँ सेकंड डेट होगी इसी तरह 41 को इरशजील वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड हिज क्लास फेलोस मेक फन ऑफ हिम फॉर मेकिंग ओनली थ्री रन एंड गो आउट उसे क्या हुआ कि इरशजील ने बैट से जो है वो अपने क्लास फेलोस को हिट किया बिकॉज ही वॉज थिंकिंग वो उसको बुली कर रहे थे जैसे इन बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स जो हैं वो लॉक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप जो है वो सही तरीके से बिल्ड नहीं कर पा रहे होते और ये जो थाट था उसका कि दे बुली में और उसने शर्जील ने जो है वो उनको बैट से हिट किया ठीक है इंटेंसिटी इसकी नाइनटी फाइव परसेंट थी और फ्रीकेंसीज की फाइव uh, टाइम थी ठीक है तो दैट्स मीन के उसने जो बैट से हिट किया अपने क्लास वालो को वो फाइव टाइम किया तो दैट इज वी नीड टू बी बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड कौन कौन सी सिचुएशन में किस किस टाइम के ऊपर कैसे ट्रिगरर्स होते हैं जो कि उसका एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ उसको लीड करते हैं ये जो ट्रिगरर्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर मेकिंग द मैनेजमेंट प्लान क्योंकि इन्हें ट्रिगर से इन्हीं प्रोवोकिंग सिचुएशन से हमने बच्चे को यह समझाना होता है कि किस तरह उसने अपने एंगर को मैनेज uh, करना है तो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग हम ये जो असेसमेंट है इनडायरेक्ट ये हम जो है वो डेवलप करवाते हैं पेरेंट्स से भी समाइम uh, जो बच्चा होता है वो खुद भी कर लेता है और समटाइम टीचर्स भी uh, ऐसा करते हैं यानी कि अगर उसका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है वो स्कूल में ज़्यादा एक्जबिट हो रहा है तो हम टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं कि वो ये चार्ट जो है वो हमें फिल कर कर वापस भेजें ताकि हम बच्चे की जो है वो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हेल्प कर सकें थैंक यू